कर दिया मैं। अब दोस्तों, हाँ जी, आज हम बनाएंगे काढ़ा। काढ़ा बना रहे हैं हम लोग, आजकल सभी लोग किसी ना किसी तरीके से काढ़ा बना रहे हैं। ये देखिए, मैं भी काढ़ा बनाने जा रही हूँ, आयुर्वेदिक काढ़ा। पानी डाल रहे हैं हम इसमें जितना हमको चाहिए। ये हम लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए काढ़ा बना रहे हैं। और काढ़े में हमने डाला है 2.5 कप पानी। ये देखिए, 2.5 कप पानी डाल दिया है हमने। ये सब ले लिया है हमने, जो भी चाहिए बना रहे हैं, ठीक है। और काढ़ा बनाने के लिए हमने लिया है अजवाइन, दालचीनी, नींबू, आंवला, तेज पत्ता, अदरक, और ये जिंजर अदरक, और ये हल्दी, हरी हल्दी है ये। ये सब हम इस काढ़े में इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से काढ़ा बनेगा अभी हम आपको बताते हैं। और ये हमने ली है काली मिर्च, काली मिर्च है, इसका भी हम उपयोग करेंगे। और ये हमने लिया है कलौंजी, इसका सबका हम इस्तेमाल करेंगे आज काढ़ा बनाने में। और काढ़ा किस तरीके से बनता है, सबसे पहले हमने पानी गर्म करने के लिए इसमें रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन, और इसमें डालेंगे, ये हमने डाला है कलौंजी लगभग इतनी। और अब हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर लगभग, काली मिर्च इतनी डाल दिया। अब हमने ये सब धो के तैयार कर रखा है ऑलरेडी, फिर भी हम एक बार ये इसको धो लेते हैं। और हमने ये डाल दिया तेज पत्ता, 2-3 पत्ते डाल दिए, और ये दालचीनी, दालचीनी डाल दी। अब हम इसमें लेमन डालेंगे। सबसे बड़ी रेमेडी लेमन डालने की है, लोग लेमन का इसमें जूस ना डालें। हमने डालना है इसको इस तरीके से स्लाइस करके, छिलके सहित। इसका छिलका ही सबसे बड़ा इसमें काम करता है। इस तरीके से हम इसमें लेमन डालेंगे, देख रही हैं आप। ये हमने स्लाइस करके नींबू को इसमें डाल दिया। अब हम इसमें अदरक को, वैसे हमने ये ग्रेट करने के लिए भी रखा है, लेकिन हम इसमें कूट के डालने में हमें अच्छा लगता है। पंखा नहीं चाहिए। हमने ये डाल दी इसमें अदरक, जिंजर, और ये अब हम हल्दी को भी इसी तरीके से कूट लेंगे। हल्दी कोरोना के लिए, खत्म करने के लिए कोरोना जैसे वायरस को, हल्दी और जिंजर बहुत काम का है। और हमारी जो ताकत है अंदर की, उसको बढ़ाने के लिए नींबू, आंवला, दालचीनी का सबसे अधिक उपयोग हो रहा है। अब हमने इसमें आंवला डालना है इस तरीके से। इसके टेस्ट को यदि आप लोग डेवलप कर लें तो ये काढ़ा सबसे ज़्यादा उपयोगी है। आज हमने इसमें खजूर छुहारे का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि लॉकडाउन में दुकानें बंद थी, तो इसलिए हमने इसमें आज छुहारा नहीं डाला है। मैं रोज़ इसमें एक छुहारा ज़रूर डालती हूँ। यदि आप लोगों के पास उपलब्ध हो तो कृपया छुहारा ज़रूर डालें। इसका ये पूरा हमने इसमें डाल दिया है, और अब हम इसको फुल बॉयल करने तक इसका इंतज़ार करेंगे। इस तरीके से ये आप देखिए, हमारा ये बहुत अभी इसमें कलर आ जाएगा। और मैं हल्का सा इसमें
थोड़ा सा पाउडर हल्दी का भी इस्तेमाल करने जा रही हूँ। इस तरीके से हमारा ये काढ़ा तैयार हो गया है और अब हम इसको बहुत ज़्यादा बॉईल करेंगे, कम से कम 5 मिनट, और ये काढ़ा तैयार। काढ़ा इस तरीके से बनाकर इसको छान के हम इसमें रख लेंगे। यह हमारा इसमें गर्म भी रहेगा और हम इसको इसके बीच में हम जब भी हम पियेंगे इस काढ़े को तो हम हनी का इस्तेमाल इसके अंदर करेंगे। हनी भी हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और हम इस काढ़े को रोज़ डेली सुबह और शाम पूरे परिवार के लोगों के साथ पीते हैं और पूरे तरीके से लॉकडाउन में ऐसी और भी चीज़ों को जानने के लिए आप हमसे संपर्क करें और जान सकते हैं लॉकडाउन में कि भाई क्या कहते हैं हमारा पूरा सफर है। लॉकडाउन में आप और भी चीज़ें जो हमारे को आयुर्वेद से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि हम इंडो यूरोपियन चैम्बर और लोटस टावर टीवी की तरफ से आपको ये काढ़ा बनाना हमने आज सिखाया, कल हम और चीज़ें भी सिखाएंगे ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।